मुस्लिम समाज द्वारा अवैध रूप से बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने का विवाद तूल पकड़ने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती सोमवार को सरनाकोठी भोटिया पड़ाव क्षेत्र के कवासीय भवन में अवैध रूप से सामूहिक नमाज पढ़ने का हिंदू संगठन ने विरोध किया। हिंदू संगठन के नेता और मौलाना के बीच तीखी झड़प हो गई। आरोप है कि हिंदूवादी नेता ने मौलाना से अभद्रता की। इसके विरोध स्वरूप भवन स्वामी जफर उल्ला सिद्दीकी और इमाम मौलाना शहीद हुसैन कुछ लोगों के कोतवाली पर हिंदू संगठन द्वारा मर्यादा उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने उन्हें सम्मान के साथ अपने कार्यालय में बैठाया और हिंदू संगठन के 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुस्लिम धर्मगुरु और पुलिस के बीच मामले को सुलझाने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की वार्ता चल रही थी। इस बीच वहां बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होकर हंगामा करने लगी। पुलिस और मौलाना ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने हिंदू संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के बाद लगभग 800 अज्ञात मुस्लिम लोगों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हाईवे जाम करने का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मुस्लिम समाज में रोष था कि हिंदू संगठन ने रमजान के पवित्र महीने में उन्हें परेशान किया है। आरोप यह भी है कि हिंदूवादी नेताओं की शिकायत पर हल्द्वानी प्राधिकरण ने भवन स्वामी से नक्शा मांगा है। नक्शा न दिखा पाने के कारण मस्जिद को सील कर दिया है और भवन स्वामी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सोमवार रात्रि में करीब 12 बजे आसपास अज्ञात भीड़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा। आम जनता के वाहनों का आवागमन को बंद कर दिया गया। पुलिस और वहां मौजूद मौलाना ने भीड़ को समझाने की भरसक कोशिश करते हुए घर जाने की अपील की। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से लगभग 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ 147, 332, 353, 441 और 427 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से हंगामा करके माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की शिनाख्त में जुटी हुई है।